Hey everyone, मैं हूँ ज्योति जसनेता गर्ल. Thanks for stopping by. तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 common makeup mistakes जो कि हम किसी न किसी पॉइंट पे जरूर करते हैं. स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये मिस्टेक्स कर सकते हैं या करते होंगे. और मैं जब बिगिनर थी, जब मैं मेकअप सीख रही थी, मैं अभी भी मेकअप सीख रही हूँ, बट इनिशियल स्टेजेस में मैं इन मिस्टेक्स को बहुत ज़्यादा करती थी क्योंकि कोई भी बताने सिखाने वाला नहीं था. सो मैंने जो भी सीखा अपने एक्सपीरियंस अपने मिस्टेक से सीखा, इसलिए मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं. तो ये वीडियो को पूरा देखें. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो सबसे पहली और मोस्ट कॉमन मिस्टेक है मेकअप की, वो है नॉट अप्लाइंग मॉइस्चराइजर. चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, नो मैटर व्हाट, ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन, ऑयली मॉइस्चराइजर लगाना इज इम्पॉर्टेंट. मेकअप अप्लाई करने के पहले आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही है ताकि आपकी स्किन जो है वो मेकअप के लिए तैयार हो जाए, हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चराइज रहे, और आप जो भी उसके ऊपर फाउंडेशन, कंसीलर, जो भी अपना बेस लगा रहे हैं वो अच्छे तरीके से ग्लाइड हो, और साथ ही साथ आपका फेस जो है वो केकी ना हो. आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप बिना मॉइस्चराइजर अप्लाई किया ड्राई स्किन पे फाउंडेशन लगा लो तो आपका मेकअप जो है वो केकी हो जाता है, लाइंस दिखने लगती हैं. तो ये मिस्टेक मत करिए. चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, आप ज़रूर मॉइस्चराइजर लगाइए. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोशिश करिए कि आप कोई हैवी अच्छा विटामिन ई या ग्लिसरीन एनरिच्ड मॉइस्चराइजर लगाएं. और अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो आप कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं जिससे आपकी स्किन ग्रीजी नहीं होगी, ऑयली नहीं होगी, बट आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी और मेकअप के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी. नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बहुत ही कॉमन है और जो मैं अभी रिसेंटली तक कर रही थी, वो ये थी कि नॉट अप्लाइंग प्राइमर. जी हाँ, अब आप पूछेंगे प्राइमर क्या होता है. प्राइमर हमें लगाना होता है मॉइस्चराइजर के बाद और फाउंडेशन यानी अपना बेस करने से पहले. तो प्राइमर एक्ट करता है एक बैरियर हमारे स्किन और फाउंडेशन के बीच में, जिससे कि स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या एक्ने पिंपल प्रोन है तो आपको मेकअप करने के बाद पिंपल आने के चांसेस रह जाते हैं क्योंकि वो मेकअप जो है फाउंडेशन वगैरह आपके पोर्स में चला जाता है. और अगर आप उसे किसी अच्छे मेकअप रिमूवर से और अच्छी तरह से रिमूव नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे एक दो दिन में पिंपल एक्ने आने के चांसेस हो जाते हैं या ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होने लगती है. तो प्राइमर ज़रूर यूज़ करिए मॉइस्चराइजर के बाद. प्राइमर ज़रूर लगाइए ताकि प्राइमर आपके स्किन पे एक बैरियर का काम करेगा और फाउंडेशन या कंसीलर या जो भी बेस आप अप्लाई कर रहे हो वो आपके पोर्स में जाने से बचाएगा, जिससे कि आपकी स्किन बची रहेगी. तो ऑलवेज जब भी आप कोई हैवी मेकअप लुक के लिए जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप एवरीडे मेकअप सिंपल बीबी क्रीम वगैरह से कर रहे हो तो आपको प्राइमर लगाना है, आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो. बट अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हो, हैवी बेस करने जा रहे हो, फाउंडेशन, कंसीलर, एवरीथिंग, तो प्राइमर ज़रूर लगाइए. और प्राइमर से हमारा मेकअप जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्लाइड होता है, बहुत ही स्मूथ फिनिश आती है. तो एक बार आप प्राइमर ट्राई करके देखें और आपको बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे. नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बहुत ही कॉमन है और इवन मैं भी जब मैं कभी कभी जल्दीबाजी में होती हूँ तो कर ही देती हूँ, वो ये है कि मैट लिपस्टिक्स लगाने से पहले अपने लिप्स को प्रेप ना करना. यस, मैट लिपस्टिक्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग होती हैं. अगर आपने अपने लिप्स को प्रेप नहीं किया है तो वो आपकी ड्राइनेस को उभारती है, साथ ही साथ आपके लिप्स को ड्राई और चैपी बनाती है. तो कभी भी मैट लिपस्टिक लगाने के पहले हमेशा अपने लिप्स को प्रेप करिए, उन्हें स्क्रब करिए और उसके बाद कोई अच्छा सा लिप बाम लगाइए. और उसके बाद ही जब वो लिप बाम अब्सॉर्ब हो जाए आपके लिप्स में तभी आप मैट लिपस्टिक लगाइए. अगर आपके पास तुरंत टाइम नहीं है अपने लिप्स को स्क्रब करने का तो आप, अगर आपको मालूम है कि कल आप ऐसा मेकअप करने जा रहे हो या कल आप मैट लिपस्टिक अप्लाई करने जा रहे हो तो आप एक रात पहले अपने लिप्स को स्क्रब कर सकते हो सिंपली शुगर और कोकोनट ऑयल मिक्स करके. और जब भी आप मैट लिपस्टिक लगाने जाओ उसके थोड़ी देर पहले लिप बाम ज़रूर अप्लाई करिए और उसे अब्सॉर्ब होने दीजिए. और अगर लिप बाम अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, बहुत स्टिकी लग रहा है, तो सिंपली आप एक टिश्यू पेपर लेके अपने लिप्स को उस पर प्रेस करिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा लिप बाम है वो निकल जाए. और उसके बाद आप उस पर अपना मैट लिपस्टिक लगाइए. इस तरीके से आपकी जो मैट लिपस्टिक है वो आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगी, चैपी नहीं करेगी. और अगर आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं तो वो आपके जो फाइन लाइन्स है, ड्राई लाइन्स है, उसे उभारेगी नहीं. तो ऑलवेज प्रेप योर लिप्स बिफोर अप्लाइंग अ मैट लिपस्टिक. नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बहुत लोग करते हैं वो ये कि अपने नेक एरिया को अवॉइड करना अपना बेस करते टाइम. जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो या बीबी क्रीम लगाते हो तो उसे सिर्फ अपने फेस पे ना लगाएं, अपने नेक पे भी जो लेफ्ट ओवर फाउंडेशन या बीबी क्रीम है उसे अपने नेक पे ज़रूर लगाएं. इससे आपके फेस और नेक का कलर अलग अलग नहीं दिखेगा, वो मिसमैच नहीं करेगा और आपका लुक जो है वो नेचुरल दिखेगा और एक जैसा दिखेगा. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ अपने फेस पे फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगा लेते हैं, अपना बेस कर लेते हैं, लेकिन अपने नेक को भूल जाते हैं, जिससे कि
फेस और नेक का कलर अलग अलग दिखता है और जो उनका लुक है वो नेचुरल नहीं दिखता। पता चलता है कि बहुत ज़्यादा मेकअप यहाँ पे किया गया और इस जगह को छोड़ दिया गया। तो ये भूल बिल्कुल भी मत करिए, अपने फेस के साथ साथ अपने नेक पे भी बेस को ज़रूर अप्लाई करिए। नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोग करते हैं, वो ये है कि जब हम फाउंडेशन लेने जाते हैं तो उसे हम अपनी आर्म्स पे टेस्ट करते हैं। जब आप फाउंडेशन लेने काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे जो भी लेडी होती है, जो भी होता है, वो हमें फाउंडेशन जब टेस्ट कराते हैं तो हमें आर्म्स पे, यहाँ पे या यहाँ पे कराते हैं। तो ये गलत है क्योंकि हमारे जो स्किन का, फेस का कलर है वो यहाँ के कलर से डिफरेंट है। कई बार हमारे जो फेस का कलर है वो यहाँ के कलर से लाइट होता है, तो हम जब यहाँ पे या यहाँ पे फाउंडेशन टेस्ट करते हैं तो हम यहाँ के शेड के हिसाब से फाउंडेशन ले लेते हैं। अगर यहाँ पे शेड मैच हो रहा है तो हम सोचते हैं कि फेस में भी मैच होगा और हम फाउंडेशन खरीद लेते हैं, और बहुत बार मिसमैच हो जाता है। तो कभी भी इस तरीके से फाउंडेशन को टेस्ट ना करें, हमेशा अपने फाउंडेशन को अपनी जॉ लाइन पे या यहाँ पे कहीं टेस्ट करके देखें और जब वो मैच हो तभी लें। कई बार हम नेक पे भी करते हैं तो बहुत बार नेक भी फेस से डार्क होती है, तो हमें ये भी नहीं करना। ऑलवेज अप्लाई योर फाउंडेशन ऑन योर जॉ लाइन और यहाँ पे अप्लाई करके देखें कि आपका फाउंडेशन जो है वो आपके फेस के कलर से मैच हो रहा है या नहीं, और उसी बेसिस पे फाउंडेशन खरीदें। नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली बिगिनर्स ही मिस्टेक बहुत करते हैं, वो ये है कि ब्लश को रॉन्ग तरीके से लगाना। हम क्या करते हैं कि कई बार हम पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेते हैं ब्रश पे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नेचुरल लुक दिखाना, आप क्लाउन नहीं लगना है, ऐसा नहीं बिल्कुल यहाँ रेड रेड नहीं करना आपको। तो हमेशा अपने ब्रश पे कम प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी और इंटेंसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है तो थोड़ा और प्रोडक्ट आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने ब्रश पे कम ब्लश लेके अप्लाई करना स्टार्ट करें। दूसरी चीज़ कि हम गलत तरीके से या गलत जगह पे ब्लश को अप्लाई करते हैं। आपको इस तरीके से फेस करके ब्लश नहीं अप्लाई करना है, नो, डोंट डू दिस। और हमेशा एप्पल्स ऑफ योर चीक पे ही ब्लश को अप्लाई करें, और ऑलवेज स्माइल बिफोर अप्लाइंग योर ब्लश। हमेशा इस तरीके से ब्लश को अप्लाई करें, ये दिख रहा है एप्पल्स ऑफ योर चीक, जब आप स्माइल करते हैं तो आपके एप्पल्स जो है वो उभर के आते हैं। सो यहाँ पे आपको ब्लश अप्लाई करना है, न यहाँ, ऑलवेज स्माइल एंड देन अप्लाई योर ब्लश। तो ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका जो ब्लश है वो बहुत ही अजीब दिखता है। और हमेशा ब्लेंड ज़रूर करें, ब्लेंड करने में टाइम लगता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आपका जो मेकअप है वो बहुत ही सीमलेस दिखता है। तो हमेशा ब्लेंड करने में टाइम लें और हमेशा थोड़े प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। सो यार, ये थी कुछ मेकअप मिस्टेक जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही लोग करते हैं, या किसी ना किसी पॉइंट पर ज़रूर किया होगा, क्योंकि मैंने भी इन सब सारी मिस्टेक्स को बहुत किया है। सो अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं या पास्ट में करते थे, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।